दोस्तों, हाल ही में मैंने डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे भूत पुलिस नामक एक कॉमेडी हॉरर मूवी देखी है जिसे पवन कृपलानी ने डायरेक्ट किया है और ये फिल्म एक हफ्ते पहले ही रिलीज हुई है। नई फिल्म होने की वजह से इसकी रेटिंग्स काफी फ्लक्चुएट हो रही है, लेकिन फिलहाल इसे IMDb पे 6.2 स्टार्स मिले हुए हैं एंड इन जनरल इसे काफी मिक्स्ड रिव्यूज मिल रही हैं। अब इस वीडियो में मैं भूत पुलिस फिल्म की कहानी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, तो अगर आपको स्पॉयलर्स नहीं चाहिए तो पहले आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे ये फिल्म देख लें, उसके बाद ही मेरी वीडियो देखें। अगर आपको स्पॉयलर चलता है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो फिल्म की शुरुआत में हम विभूति वैद्य और चिरौंजी वैद्य नामक मॉडर्न तांत्रिक से मिलते हैं जो अपेरेंटली भाई भी थे और वो भूत भगाने का काम करते थे। फिलहाल वो किसी गांव में आते हैं जहां गुड्डी नाम की लड़की पजेस थी। ये दोनों गुड्डी को देखने जाते हैं जहां गुड्डी चिरौंजी उर्फ चीकू पे अटैक कर देती है एंड मीनवाइल विभूति फाइंड्स आउट कि गुड्डी पजेस्ड होने का ड्रामा कर रही थी। जी हां, वो गैस की मदद से अपना आवाज बदल रही थी, उसने मेकअप किया था और लेंस मार्ट की लेंस से अपना आई कलर चेंज किया था। दरअसल गुड्डी के घर वाले उसकी पढ़ाई छुड़वा कर उसकी शादी कराना चाहते थे, इसीलिए गुड्डी ये सब ड्रामा कर रही थी। विभूति गुड्डी के साथ एक डील करता है जिसमें वो घर वालों को कह देगा कि गुड्डी के अंदर दादाजी की आत्मा है और वो चाहते हैं कि गुड्डी आगे पढ़ाई करे। बदले में वो गुड्डी के पेरेंट्स से नकली एग्जॉर्सिज्म के पैसे लेगा। ठीक ऐसा ही होता है जिससे विभूति को उसके पैसे मिल जाते हैं और गुड्डी भी अपनी PhD की पढ़ाई कर सकती थी। अब इन सब से विभूति का छोटा भाई चिरौंजी उर्फ चीकू खुश नहीं था क्योंकि वो एक असली तांत्रिक बनना चाहता था, जबकि विभूति भूत वगैरह में भरोसा नहीं करता था और वो लोगों के अंधविश्वास का फायदा उठाकर बस उनसे पैसे कमाता था। चीकू के पास उसके पिताजी द्वारा दी गई एक किताब थी जिसमें 5000 साल पुरानी लिपि में तांत्रिक विद्या के बारे में काफी कुछ लिखा हुआ था, लेकिन इसको पढ़ पाना फिलहाल संभव नहीं था। विभूति और चीकू के पिता उल्लट बाबा थे जो अपनी तंत्र विद्या के लिए काफी प्रचलित थे, लेकिन विभूति का मानना था कि उसके पिता भी फ्रॉड ही थे। खैर, आगे हम एक भूत भगाओ मेला देखते हैं जहां ढेर सारे तांत्रिक लोगों का भूत भगाने में लगे हुए थे और इस मेले में माया नाम की लड़की आती है जो कि उल्लट बाबा को ढूंढ रही थी। यहाँ माया को ढोंगी तांत्रिक लोग ठगने की कोशिश करते हैं, लेकिन समहाउ वो चीकू से मिल जाती है जहाँ उसे पता चलता है कि उल्लट बाबा तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके बेटे हैं विभूति एंड चिरौंजी उर्फ चीकू। यहाँ चीकू के हाथ से उसकी किताब गिर जाती है जिसमें से एक सीक्रेट नोट निकलता है और ये नोट एक की यानी कुंजी थी जिससे उल्लट बाबा के किताब को इजिली डिकोड किया जा सकता था। इस पॉइंट पे हम व्यूअर्स एक बात गौर करते हैं कि जब भी कोई आत्मा आसपास होती थी तो चीकू का कंधा अपने आप ही हिलने लगता था, लाइक उसे ट्विचिंग होने लग जाती थी। एनीवेज, माया बताती है कि धर्मशाला के पास उसका चाय का बगान है नेम्ड सिलावर स्टेट, जहां से वो और उसकी बहन चाय की फैक्ट्री चलाते हैं जो कि काफी लॉस में थी। सिलावर स्टेट माया के पिता का हुआ करता था जो कि अब इस दुनिया में नहीं है और माया की छोटी बहन कनिका लंदन से पढ़कर यहाँ आई है। 27 साल पहले सिलावर स्टेट में किचकंडी नामक आत्मा का प्रकोप था और उस वक्त उल्लट बाबा ने ही किचकंडी को कैद कर दिया था। अभी वापस किचकंडी संभव आजाद हो चुकी है जिससे स्टेट में कोई मजदूर काम करना नहीं चाहता, इसीलिए माया उल्लट बाबा को खोजती हुई यहाँ आई थी, लेकिन अब उल्लट बाबा के सन्स माया की मदद करने वाले थे। इस पॉइंट पे चीकू को लगता है कि फाइनली एक रियल घोस्ट की केस उनके पास आई है, वहीं विभूति इसे भी फेक मानकर माया से पैसे ठगने के मूड में था। यहाँ एक और प्लॉट ये चल रही होती है कि एक इंस्पेक्टर छेदीलाल फॉर सम रीजन उल्लट बाबा एंड सन्स यानी विभूति और चिरौंजी को ढूंढ कर उन्हें मारना चाहता था या फिर पकड़ना चाहता था। एनीवेज, चीकू किताब देखकर बताता है कि किचकंडी पहाड़ों की भूत है जो कि काफी खतरनाक आत्मा है और इसे रक्त शास्त्र विधि करके ही रोका जा सकता है। ये तीनों फाइनली सिलावर स्टेट पहुंचते हैं जहां उनकी मुलाकात कनिका से होती है और कनिका काफी मॉडर्न थिंकिंग की लड़की थी जिसे भूत या तांत्रिक वगैरह में विश्वास नहीं था। कनिका चाहती थी कि माया और वो इस चाय के बगान को बेचकर उन पैसों से लंदन चले जाए जहां वो अपना छोटा सा बार खोल के अच्छी जिंदगी एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन माया चाय की फैक्ट्री ही चलाना चाहती थी भले ही उसे उसमें कितना भी लॉस लग जाए। यहाँ हम हरि कुमार नामक इंसान से ही मिलते हैं जो कि पूरे स्टेट का जनरल मैनेजर था। विभूति पूरे गांव वालों के सामने किचकंडी को ललकारने लगता है क्योंकि उसके हिसाब से भूत वगैरह नहीं होते,
लेकिन उसी रात लता नाम की औरत अपने पति के साथ किचकंडी को जंगलों में देखती है। लता अगली सुबह सब कुछ चीकू को बताती है और यहाँ कई गांव वाले चीकू को बताते हैं कि उन्होंने किचकंडी को अलग अलग रूप में देख रखा है। किचकंडी के बारे में और जानने के लिए माया चीकू को संतु जी नामक इंसान से मिलने को कहती है जो कि पास ही के मोनेस्ट्री में रहते थे और वो तब इस गाँव में थे जब उल्लट बाबा ने किचकंडी को कैद किया था। चीकू और विभूति फौरन संतु जी से मिलने जाते हैं जहां उन्हें पता चलता है कि 27 साल पहले संतु जी की पत्नी मंजू को किचकंडी ने पजेस कर लिया था, जिसके बाद मंजू ने दो लोगों की जान ले ली थी। मंजू ने संतु जी पे अटैक करके उनकी आंखें भी नोच ली थी और तभी उल्लट बाबा ने उसे एक तांत्रिक घेरे में पकड़ लिया। वहां उन्होंने एक हड्डी में किचकंडी की आत्मा को कैद कर लिया और फिर उन्होंने उस हड्डी को एक मटके में बंद करके पास ही के एक पेड़ में दफना दिया। इस पूरे प्रक्रिया के दौरान मंजू की जान भी चली गई थी। इस कहानी को जानने के बाद दोनों भाई उस पेड़ को खोज लेते हैं जिसमें किचकंडी की आत्मा मटके में कैद थी एंड फाइनली चीकू को वो मटका मिल भी जाता है। नाउ सरप्राइजिंगली ये मटका अब भी बंद था, तो फिर किचकंडी आजाद होके वापस कैसे आ सकती थी? विभूति को इन सब पे भरोसा नहीं था और इसलिए मजाक मजाक में वो ये मटका तोड़ देता है जिसमें से वो हड्डी निकलती है एंड शायद अब किचकंडी सच में आजाद हो गई थी। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर छेदीलाल इन दोनों भाइयों को खोजते हुए धर्मशाला पहुंच चुका था और यहाँ एक सब प्लॉट ये चल रही थी कि विभूति के सामने एक छोटी बच्ची हमेशा आया करती थी जो बोलती वगैरह नहीं थी और उसका नाम तितली था। एनीवेज किचकंडी वाली मटके से जो हड्डी निकली थी उसे माया का डॉग शोंकु उठाकर माया के बेड के नीचे ले आता है। ये बोन अपने आप ही हिल रही थी जिसके कारण माया का बिस्तर हवा में उठ जाता है। माया डरते हुए फौरन चीकू को यहाँ बुलाती है जो कि मंत्र वगैरह पढ़ना शुरू करता है और इसी दौरान हम किचकंडी की आत्मा का प्रकोप बढ़ता हुआ देखते हैं जो कि पूरे घर में फैल रही थी। किचकंडी विभूति के ऊपर अटैक भी करने ही वाली थी कि तभी चीकू का मंत्र जाप हो जाता है जिससे किचकंडी को भागना पड़ता है। अब उसी रात विभूति किसी इंसान को भूतों के कॉस्ट्यूम में माया के घर की खिड़की पे चढ़ा देखता है जो कि माया को डराने के प्लान में था। विभूति फौरन इस इंसान को चेज करता है और हम भी उसको पता चलता है कि भूत के कॉस्ट्यूम में और कोई नहीं बल्कि जनरल मैनेजर हरि प्रसाद था। जी हाँ दोस्तों, हरि ही गांव वालों को किचकंडी बन के डरा रहा था और ऐसा वो कनिका के कहने पे कर रहा था। दरअसल कनिका चाय बागान को बेचकर लंदन जाना चाहती थी लेकिन माया ऐसा नहीं कर रही थी, इसीलिए वो गांव वालों को डराकर मजदूरों का स्ट्राइक करवाना चाहती थी जिससे फैक्ट्री को भारी लॉस होता और मजबूरन माया को कनिका की बात माननी पड़ती। इस पॉइंट पे विभूति कनिका के साथ हाथ मिला लेता है जहां वो कनिका से लाखों रुपए मांगता है और बदले में वो गांव वालों को ये कह देगा कि किचकंडी बहुत स्ट्रांग है जिससे सब गांव वाले गांव छोड़कर भाग जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ रियल किचकंडी की आत्मा घर में फैलते हुए माया तक पहुंचती है और वो माया पे अटैक कर देती है। एनीवेज विभूति चीकू को बेवकूफ बना के पूरे गांव के सामने हवन करने का ढोंग करता है जहां वो चीकू को नशीली दही खिलाकर बेहोश कर देता है। चीकू के बेहोश होते ही वो गांव वाले से कहता है कि किचकंडी ने चीकू को मार डाला है क्योंकि किचकंडी बहुत ताकतवर है और इसके ठीक बाद स्पीकर्स एंड डमीज की मदद से हरि और कनिका गांव वालों को बहुत डराते हैं। गांव वाले फौरन गांव छोड़कर भागने लग जाते हैं, यानी कि कनिका और विभूति का प्लान कामयाब हो गया था। प्लान एग्जीक्यूट करने के बाद विभूति कनिका से पैसे लेने जाता है लेकिन कनिका बड़ी चालाकी से इंस्पेक्टर छेदीलाल को यहाँ बुला ली थी जो कि विभूति को अरेस्ट कर लेता है। इस पॉइंट पे चीकू को भी होश आ गया था और वो अपने भाई की इस हरकत से काफी गुस्सा था एंड ही ऑल्सो गेट्स अरेस्टेड। नाउ जब छेदीलाल इन दोनों को इनके वैन में बांध कर ले जा रहा होता है तब हम भी उसको छेदीलाल की कहानी पता चलती है। दरअसल उल्लट बाबा ने छेदीलाल की शादी एक बकरी से करवा दी थी फॉर सम रिचुअल और वो भी केवल 12 साल की उम्र में। इतना ही नहीं, उल्लट बाबा ने छेदी की शादी 7 साल में 7 बार बकरी से करवाई जिस वजह से सब उसका बहुत मजाक उड़ाते थे और आज छेदी इसी बात का बदला उल्लट बाबा के बेटों से लेगा उनका इनकाउंटर करके। इस पॉइंट पे विभूति छेदी पे किसी तरह अटैक करता है जिससे उनकी वैन एक्सीडेंट कर जाती है और इस एक्सीडेंट में छेदी बेहोश हो जाता है। वहीं विभूति और चीकू आजाद हो जाते हैं। यहाँ दोनों भाइयों में उनके बिलीव्स को लेकर लड़ाई होता है जहाँ चीकू आज भी एक अच्छा तांत्रिक बनना चाहता था, वहीं विभूति ये अपना ठगी और ढोंग वाला कार्यक्रम जारी रखना चाहता था। लड़ाई के बाद ये दोनों अलग अलग रास्ते चल देते हैं जहाँ चीकू माया की मदद करने जाता है, वहीं विभूति गांव से बाहर जाने की सोचता है। दूसरी तरफ स्टेट में हम भी उस माया को देखते हैं जो कि पूरी तरह पजेस्ड हो चुकी थी और वो बार बार तितलियां शब्द बोल रही थी। यहाँ से सीन विभूति पे फोकस करता है जहाँ जंगल में उसे वही तितली नाम की बच्ची मिलती है और विभूति उसे अपने कंधों पे बिठाकर जंगल पार करवाने लगता है।
तब तक छेदी भी होश में आ गया था और वो विभूति को शूट करके मार देने की सोचता है। अब दोस्तों छेदी के नजरिए से हम व्यूअर्स नोटिस करते हैं कि विभूति के कंधे पे कोई भी नहीं था, जबकि विभूति तितली से बात करते हुए जा रहा था। छेदी विभूति के सामने आकर उसे शूट करने की सोचता है, लेकिन तितली गायब होकर छेदी पे ही अटैक कर देती है। इस पॉइंट में विभूति रियलाइजेस कि तितली एक्चुअली में एक आत्मा है और वो सिर्फ विभूति को ही दिखती थी। जी हाँ, जिस तरह आत्माओं के सामने आने पे चीकू का कंधा फड़कता था, ठीक उसी तरह विभूति को एक्चुअल आत्माओं को देखने की शक्ति थी। इस बात को रियलाइज करने के बाद विभूति को पहली बार भूतों पे भरोसा हो गया था और वो चिल्लाते हुए चीकू के पास पहुंचकर उससे माफी मांगता है। ये दोनों अब साथ में माया को ढूंढने फैक्ट्री जाते हैं और फैक्ट्री में पजेस्ड माया हरी और कनिका पे अटैक करने लग गई थी। ये दोनों कनिका को ढूंढ लेते हैं और तभी वहां छेदी भी आता है, जिस पर माया अटैक करती है। इस अटैक में माया छेदी को मार डालती, लेकिन छेदी अचानक बकरी की भाषा बोलने लग जाता है, जिस वजह से माया उसे बख्श देती है। छेदी फाइनली रियलाइजेस कि उल्लट बाबा छेदी की इसी मोमेंट में जान बचाने के लिए उसकी बकरी से शादी करवाते थे और अब वो उल्लट बाबा का फैन बन चुका था। वही माया बाकियों पे अटैक करती है, लेकिन चीकू एक आत्मा ट्रांसफर करने वाला मंत्र पढ़ता है, जिससे माया के अंदर की किचकंडी उसके अंदर आ जाए। लेकिन दोस्तों किचकंडी की आत्मा माया से तो निकल जाती है, लेकिन अब वो विभूति को पजस कर लेती है। चीकू बाकियों को यहाँ से भगा देता है ताकि वो अकेले में विभूति से डील कर सके, और विभूति चीकू को मारने लग जाता है। इस पॉइंट पे माया से इसकी जब वो पजेस थी तो उसे एक पेड़ के जलने की विजन आई थी और वो कुछ तितलिया वर्ड सुन पाती थी। माया फौरन पजेस विभूति के पास जाकर तितलियां चिल्लाती है, जिससे विभूति काफी डिस्ट्रैक्ट होता है। इस पॉइंट पे चीकू के पास एक और पावर आता है, जहां वो विभूति को छूकर किचकंडी की कहानी जानने की कोशिश करता है, और यहां हम व्यूअर्स को किचकंडी की सच्चाई पता चलती है। दरअसल अंग्रेजों के जमाने में एक औरत इस चाय बगान में काम करती थी और उसकी बेटी का नाम तितली था। जी हाँ, वही तितली जो कि कई बार विभूति को जंगलों में दिखी थी। अंग्रेज लोग इस औरत को गलत तरीके से तंग करते थे और एक दिन वो औरत एक अंग्रेज पे अटैक कर देती है। गुस्से में अंग्रेजों ने उस औरत को पेड़ से बांध कर उसे जला दिया और उन्होंने तितली को भी शूट करके मार दिया। तब से उस औरत की आत्मा ही किचकंडी है, जो कि अपनी बेटी तितली को खोजते हुए यहाँ वहाँ भटकती है, और वो लोगों को पजस करके उन्हें मार भी डालती है, क्योंकि वो बहुत गुस्से में है। इस पॉइंट पे चीकू कहता है कि अगर किचकंडी को उनकी बेटी तितली से मिला दिया जाए तो शायद उनकी आत्मा को शांति मिल जाएगा। और इसके ठीक बाद सभी लोग जंगल में जाते हैं, जहां वो तितलियां को खोजना शुरू कर देते हैं। काफी देर जंगल में भटकने के बाद पजेस्ड विभूति फाइनली तितली की आत्मा से ठीक वही मिलता है जहां अंग्रेजों ने तितली को शूट किया था, और माँ बेटी फाइनली एक हो गए थे। उस औरत को शांति और मुक्ति मिल चुकी थी और वो अपनी बेटी के साथ यहाँ से चली जाती है, जिससे विभूति भी नॉर्मल हो जाता है। इस पॉइंट पे सब कुछ एकदम ठीक हो चुका था और छेदी भी अब विभूति और चिरंजी उर्फ चीकू का फैन हो गया था। मूवी यहीं पर खत्म होती है और पोस्ट क्रेडिट में हम देखते हैं कि छेदी लाल अब विभूति और चिरंजी के साथ ही काम करने लग गया है। जी हाँ, इनके कंपनी का नाम उल्लट बाबा एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड था, जहां इन्हें अब स्कॉटलैंड से कॉल आता है टू डील विथ वेयरवुल्व्स एंड वैम्पायर्स। दे सजेस्ट कि भूत पुलिस फिल्म की पार्ट 2 भी आ सकती है अगर ये वाली पार्ट सक्सेसफुल रही। तो दोस्तों ये थी फिल्म की कहानी, और यहाँ कुछ खास थियरीज वगैरह नहीं है, तो एक्सप्लेनेशन को यहीं पे मैं एंड करूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोज लाते रहते हैं। पीस।